हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आरती मनु पर आज नाराज हुई। जी हाँ दोस्तों, आज कल है ना, इनका मतलब झगड़ा बिना कारण ही बढ़ता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पता नहीं क्या क्यों कैसे, अब ये तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन आज आरती भड़क गई मनु के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मनु आरती के भाई और पापा की वजह से उनको बेल नहीं मिली, तो वो मनु पर भड़क गए। तो मनु ने कहा कि तुम्हारे पापा और भाई ने माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम कैसे बेल दिलाएंगे, कम से कम थोड़ा तो झुकना चाहिए ना हम सबको, मतलब हम ही हमारे यहाँ से कितना बड़ा मतलब ये हुआ है, और हम है तो कुछ मतलब सोचे भी नहीं, बोले भी नहीं, मतलब पहल भी तो करनी चाहिए ना तुमने। चलो गलती की है लेकिन मान तो लो, तो पर नहीं मानते रही है वो, और फिर तुम मुझे बोल रही हो कि बेल नहीं हुई तो कहाँ से होगी। तो सॉरी बोलने में, माफ़ी मांगने में इतना वो लग रहा है उनको, मतलब अपना ईगो कुछ ज़्यादा ही नहीं लेके बैठे हैं। अगर माफ़ी मांग भी ले तो हो सकता है कि वो छूट जाते, उनको बेल मिल जाती, जो भी होता बाद में हो जाता, लेकिन तुमको समझौता करना भी तो चाहिए। अगर तुम समझौता करोगे नहीं तो कहाँ से होगा। ये सारी बातें होती रही थी, और मनु ने आरती को मतलब इस प्रकार से कुछ बोला, और आरती भी मनु को बोलने लगी थी, इस वजह से झगड़ा काफ़ी बढ़ता गया, और मनु की फैमिली परेशान हो गई, मम्मी पापा तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि दो जन है और दोनों में भी कभी झगड़ा होगा तो उनको तो टेंशन आएगा ना, क्योंकि एक है था वो चला गया, अब एक है तो एक में वो भी ठीक से नहीं दोनों रह रहे हैं, तो थोड़ा सा टेंशन आने की वजह से उनको दोनों मतलब मम्मी पापा दोनों तबीयत ख़राब है, बीमार है। जी हाँ दोस्तों, तो बस यही वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती थी कि इनके घर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हो गया है, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। अब अगले आने वाले वीडियो में हम आपको इनके बारे में और भी डिटेल लेके आएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।